मैनपुरी में सैफई परिवार के ऊपर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बेरोजगारी को लेकर जमकर हमला बोला। सपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सैफई परिवार ने मैनपुरी को चारागाह बना दिया है, बाबा से लेकर नाती तक वो चुनते आए हैं, लेकिन परिणाम हमेशा शून्य रहा। कहा कि सत्ता में हो रहे लेकिन कभी रोजगार मेला लगा क्या। वहीं शहर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां करीब 71 कंपनियां मेले में शामिल हुई। जिन्होंने मैनपुरी को अपना चरागाह बना के रखा, बाबा से लेकर नाती तक चुनते रहे, संसद में पहुंचते रहे, बड़ा सुन रहा। आज तक कोई क्या बेरोजगार मेला कभी लगा? आज तक कई बार सत्ता में रहे क्या कोई ऐसा काम किए? आज पहली बार उन्हें देखना चाहिए कि मैनपुरी की सरजमी पे जिसका अपना किला, जैसा माधड़ी पंडित ने कहा है, किला मानते थे, अपना गढ़ मानते थे, अपना चरागाह बना के छोड़ दिया, लेकिन मैनपुरी कुछ नहीं किया। आज हमें खुशी है कि आज 12,000 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार के अवसर एक धरती पे, एक प्रांगण में, एक ही दिन में माधड़ी चौहान साहब के प्रयास से।